धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी जारी रहा एबीवीपी की हार का सिलसिला। नहीं थमने का नाम ले रहा है एबीवीपी की हार का सिलसिला। एबीवीपी की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है शुभ संकेत। गुजरात में एबीवीपी को मिली जबरदस्त हार से बीजेपी में बौखलाहट। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी भयंकर जुबानी जंग जारी है। जहां भाजपा प्रदेश में अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है, वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरी है। इसी बीच गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए छात्र परिषद के चुनाव में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी की करारी हार हुई है। इस चुनाव में सभी सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया है। इनमें से अधिकांश दलित और लेफ्ट समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय छात्र परिषद के चुनाव में एबीवीपी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने अपने निर्दलीय प्रत्याशी का ही समर्थन किया था। दलित और वामपंथी छात्र संगठनों बापसा और एलडीएसएफ ने भी एबीवीपी के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार का ही सपोर्ट किया था। यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े विभाग स्कूल ऑफ सोशल साइंस में निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कुमार ने जीत हासिल की। वहीं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद नामपुथरी ने जीत का परचम लहराया। इसके अलावा कई अन्य निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने अपने विभाग में सफलता हासिल की। बता दें, जेएनयू, डीयू और देश की अन्य यूनिवर्सिटी की तरह गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ नहीं है, यहाँ छात्र परिषद है। इसमें हर डिपार्टमेंट से 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इनमें से एक का चुनाव होता है जबकि दूसरे को नामांकित किया जाता है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी के सभी विभागों के लिए अलग अलग चुनाव हुए।